दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर की सब्जी किसे अच्छी नहीं लगती। अगर इस तरह से बनाओ ना तो कोई भी आराम से एक रोटी की बजाय दो रोटी आराम से खा लेगा। अब बच्चे तो मना ही नहीं कर पाएंगे पालक के लिए, और ये हेल्दी भी है बच्चों के लिए, तो पालक खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे आप इस तरह से बना के देखो तो बच्चे भी मना नहीं कर पाएंगे। तो आइए फिर देखते हैं पालक पनीर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीना बिराजदार और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल घर का खाना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। पालक पनीर बनाने के लिए हमें लगेगा फ्रेश पालक। मैंने यहाँ पे फ्रेश पालक लिया है और इसे साफ पानी से दो तीन बार धो लिया है और उसे सुखा भी लिया है। मैंने पहले से गैस पे एक पतीला चढ़ा रखा है जिसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। जैसे ही पानी को अच्छे से एक उबाल आ जाता है तो हमें उसमें ऐड करना है पालक। मैंने यहाँ पे पूरा पालक ऐड कर दिया है, और जैसे ही अच्छे से उसको उबाल आए तो एक स्पून की मदद से उसे हमें हिलाना है। यहीं पे होता है पालक पनीर का मेन सीक्रेट। पालक पनीर का मेन सीक्रेट क्या है, तो उसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। तो पालक पनीर दिखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ दो मिनट उसे बॉईल करना है, तुरंत निकालना है, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और पालक पनीर खाने में भी टेस्टी नहीं बनेगा। इसी स्टेज में हमें इसे निकालना है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है और स्ट्रेनर की मदद से मैंने पालक को छान लिया है। आप देख सकते हो कि पालक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसी तरह से उसका कलर बना रहे, याद रखें। पालक ठंडा होने के बाद हमें मिक्सी जार में इसे डालकर अच्छे से पेस्ट बनानी है, इसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है हमें। तो मैंने यहाँ पे जार में पालक डाल दिया है और इसकी पेस्ट बना ली है। देख सकते हो इसकी मैंने कैसे पेस्ट बनाई है। इस तरह से आपको भी इसकी पेस्ट बनानी है। इसकी पेस्ट बनने के बाद हम लोग चलते हैं अगली प्रोसेस के लिए। मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, दो प्याज लिए हैं, थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, 10-15 मैंने काजू लिए हैं, और मैंने यहाँ पे लिए हैं पनीर के छोटे छोटे काट के पीसेस। पनीर को आप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राई नहीं किया है। अब चलते हैं इसकी पेस्ट बनाने के प्रोसेस पे। मैंने पूरे प्याज को मिक्सी जार में डाल दिया है, लहसुन को भी मैंने डाल दिया है, अदरक और काजू को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी बनानी है हमें इसकी स्मूथ पेस्ट। इस तरह से हमें पेस्ट बनानी है। मैंने यहाँ पे इसकी पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हो इस तरह इसकी पेस्ट बनानी है। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा रखी है, उसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, राई जीरा डाला है। अभी डालते हैं वो जो मैंने वो पेस्ट बनाई थी प्याज वाली। पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से हमें फ्राई होने देना है। ब्राउन कलर आने तक इस मसाले को हमें फ्राई करना है। इसे बार बार हिलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है। इसी जार में हमें मिक्सी जार में हमें टोमेटो भी पीसने हैं। मैंने इसकी भी पेस्ट निकाल ली है, आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज में हमें ऐड करना है टोमेटो की प्यूरी। टोमेटो की प्यूरी भी अच्छे से फ्राई करनी है हमें।
अच्छे से इसे हिलाते हुए हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हो मैं इसे कैसे फ्राई कर रही हूँ। अब देखिए ये पूरा मसाला ऑयल छोड़ने लगा है। इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है जब तक ये ऑयल ना छोड़े। अभी इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। इसे भी अच्छे से हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हो इसे कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है कसूरी मेथी 1 चम्मच। कसूरी मेथी से सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है गरम मसाला। मसाले ऑयल छोड़ने लगे हैं। इस स्टेज में हमें डालना है पालक की प्यूरी। मैंने यहाँ पे पूरी पालक की प्यूरी डाल दी है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तरह से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले। आप देख सकते हो इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनेगी। मैंने उसी मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप रोटी के साथ में खा रहे हो तो पानी थोड़ा कम डालें, और चावल के साथ में खा रहे हो तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच मलाई। ये मलाई मैंने घर की निकाली हुई है, घर के दूध की ही। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मलाई डाल दी है। मलाई की वजह से पालक पनीर का स्वाद और बढ़ जाता है। मार्केट वाला क्रीम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो 2 चम्मच। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के पीसेस। मैंने यहाँ पे कच्चा ही पनीर लिया है, चाहे तो आप फ्राई करके भी ले सकते हो। पनीर कच्चा लेने से नरम रहता है सब्जी में, तो मैंने यहाँ कच्चा ही लिया है, इसे फ्राई नहीं किया है। आप चाहे तो घी में इसे फ्राई करके ले सकते हो। मैंने उसे मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून घी। घी डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। पालक पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और अच्छे से उबाल आने तक मैंने इसे ढक दिया था। आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो पालक पनीर हमारी रेडी है। मैंने यहाँ पे एक बाउल में उसे सर्व किया है और डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है 2 टेबलस्पून मलाई और ऊपर से पनीर के पीसेस। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करना, शेयर